मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरी नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है महाशिवरात्रि, एक और अच्छा ब्लॉग आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। अभी फ़िलहाल सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 भी नहीं बजे सही से, और मैं तो आज 2:30 बजे ही उठ गया था। फिलहाल मैं नहाकर रेडी हो गया हूँ, और अभी मैं और मम्मी जाएंगे अचलेश्वर महादेव पर। ग्वालियर में अचलेश्वर मंदिर है, तो वहाँ के आपके दर्शन कराएंगे। फिलहाल अभी मैं नहाकर तैयार हो गया हूँ, अभी अपने मंदिर में चलते हैं, सामने वहाँ पर शिव जी के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ पर भी। दो सात मतलब जैसे अब टाइम होता जाएगा बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर अच्छे से दर्शन नहीं होते, इसलिए मैं अभी दर्शन करके आता हूँ। और देवू भी आज 2 बजे उठ गया था, वो तो अपने दोस्तों के साथ चला गया दर्शन करने बाहर। अभी फिलहाल मम्मी रेडी हो रही हैं, तो मम्मी के साथ फिर मैं जाऊँगा अचलेश्वर महादेव, वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे, तो वीडियो में बने रहे। अभी आप देख सकते हो अभी कोई भी नहीं आया मंदिर में, और मंदिर में डेकोरेशन भी हुआ है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो पूरा सन्नाटा पड़ा है, कुछ लोग आए थे लेकिन चले गए। और यहाँ पर मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई है, तो चलते हैं पूजा करने और आपको दिखाता हूँ मंदिर। तो आप देख सकते हैं सामने शिव जी का मंदिर है, और कितना प्यारा डेकोरेशन हुआ है यहाँ पर। फिलहाल मैंने अपनी पूजा कर ली है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मंदिर पर कोई भी नहीं है, आपको 2-3 घंटे बाद का नज़ारा दिखाऊंगा, देखना कितनी भीड़ होगी। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदि देव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के। और ये हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में भी देख सकते हैं आप, श्रृंगार किया गया हनुमान जी का। जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने पूजा तो कर ली है, और अभी हनुमान जी के भी दर्शन मैंने आपको कराए, शिव जी के भी दर्शन कराए। और सुबह उठकर पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हो जाता है, कम हो जाती है। मैं वीडियो में बोल रहा हूँगा तो आपको कम लग रही होगी, खैर आज मैं माइक का यूज़ नहीं करूँगा अपने फ़ोन में, डायरेक्ट फ़ोन से ब्लॉग बनाऊँगा। और आपको मैं बता दूँ, शिव जी पर बेलपत्र, धतूरा और भांग क्यों चढ़ाया जाता है? देवताओं ने शिव जी के सर पर भांग, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया था, उनके मस्तिष्क को शांत करने के लिए, को बहुत पसंद है तो उनको प्रसन्न करने के लिए ये चढ़ाया जाता है। और वैसे तो आप सभी को पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया। अभी फ़िलहाल मैं हनुमान जी के मंदिर में का आलू का भी प्रसादी वितरण कराया जाएगा, जो कि अभी हलवाई आएंगे। अभी तो खैर मैं तो सुबह जल्दी आ गया, अभी 4:30 बज रहे हैं, अभी 4:30 बज रहे हैं तो हलवाई आएंगे। ये आप देख सकते हैं आलू ही रखे हैं, तो आलू का फिर प्रसादी वितरण होगा। जब तक अभी मैं और मम्मी जाएंगे अचलेश्वर महादेव, भी फिलहाल तैयार हो गए हैं, अभी निकलते हैं हम सीधे मंदिर के लिए। और देखो मंदिर में भी भीड़ हो गई काफ़ी, अच्छा हुआ मैंने पहले ही दर्शन कर लिए। भजन गा रहे हैं काफ़ी लोग अच्छे अच्छे, तो अभी मैं और मम्मी निकलते हैं अचलेश्वर महादेव पर। अभी मैं अचलेश्वर मंदिर में पहुंच गया हूं, और गाड़ी हमने यहां लगा दी है क्योंकि पीछे पूरा रास्ता बंद है, अब यहां से पैदल जाना पड़ेगा, तो पैदल चलते हैं और आपको अंदर दर्शन कराते हैं। ये यहां पर गोलंबर, और ये आप देख रहे हैं नज़ारा, काफ़ी शोर हो रहा है, तो मेरी आवाज़ शायद क्लियर नहीं आई आपको। देखो सामने अचलेश्वर महादेव का मंदिर, यहाँ से एंट्री है, और जल्दी जल्दी दर्शन, तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी हमारे दर्शन सही से हो जाएंगे। ये यहाँ पर ठंडाई के स्टॉल लगे हैं कितने। यहाँ पर मम्मी प्रसाद ले रही है।
बस हम मंदिर पहुंच गए हैं। सामने आप मंदिर देख रहे हैं, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, कुछ ही दूरी पर बस। यहाँ पर मम्मी अभी दूध ले रही हैं, दूध और तो गाइस यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी है, देख सकते हैं आप। यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक लगी लाइन मंदिर तक, तो अभी हम पीछे के रास्ते से जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम पीछे के गेट से आए हैं मंदिर पर, तो आगे देखते हैं। वैसे हमारे पास वो VIP कार्ड तो है, देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं। लंबी लाइन लगी है बहुत ज़्यादा। मंदिर के गेट पर ही हम पहुँच गए, सामने प्रवेश द्वार है। बस कुछ देर और फिर महादेव जी के दर्शन कराते हैं आपको। भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। फिलहाल दर्शन हो गए हैं, आरती और चलते हैं। हो गए दर्शन आपके अच्छे से। मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस। यहाँ पे LED स्क्रीन चली है, LED स्क्रीन पर भी दर्शन हो रहे हैं महादेव जी के। एक गुड़िया ने मेरे को तिलक करा अच्छे से। यहाँ पर लगे हैं 56 भोग, जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर। अभी गाइस 6:30 बज रहे हैं, 6:30 पे आप देख रहे हो उजाला हो गया है। सामने अचलेश्वर महादेव जी के दर्शन मैंने आपको करा दिए। अब यहाँ से उनके मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पर सनातन धर्म मंदिर है, तो यहाँ पर भी दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं अंदर। सनातन धर्म मंदिर जो है वो कृष्ण जी और राधा जी का मंदिर है, और यहाँ पर बाकी मंदिर भी हैं जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है और शिव जी का भी मंदिर है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर हैं श्री कृष्ण जी और राधा जी का मंदिर। तो चलते हैं अंदर। राम जी और सीता जी, और यहाँ पर लड्डू गोपाल छोटे से, कितने क्यूट से लग रहे हैं। ये कितनी अच्छी पेंटिंग लग रही है जिसमें ये कृष्ण भगवान बैठे हैं रथ पर सवार। फिलहाल मैं मंदिर से तो आ गया हूँ और मेरा भी आज फास्ट है, आज सभी का फास्ट है, तो अभी मैंने आलू खा लिए जो वापस से प्रसाद मिला था वो खा लिए, और अभी मंदिर में चलते हैं। मंदिर में भी आलू का प्रसाद अभी बनाया जा रहा है, देखते हैं मंदिर में चल के आपको दिखाते हैं वहाँ पर। अभी यहाँ पर आलू बन रहे हैं, ये देखो इसमें उबाला जा रहा है अभी आलू को, यहाँ पर वॉश किए जा रहे हैं।
यहाँ पर आलूओं को धोया जा रहा है। धोने के बाद उबाला जाएगा। वो है बेलपत्र का पेड़ जो कि अभी यहाँ पर सभी तोड़ने आए हैं, ऊपर चढ़ चढ़ के तोड़ रहे हैं। इस पर एक लड़का ये चढ़ गया, ये ऊपर से फेंक रहा है और यहाँ पर देवू कर रहा है पर नाना जी के मंदिर की साफ सफाई। ये है हमारे पर नाना जी की प्रतिमा, यहाँ पर अभी देवू साफ सफाई कर रहा है। आज शिवरात्रि है, यहाँ पर खड़े हैं मामा। तो गाइस यहाँ पर आलू प्रसादी वितरण स्टार्ट हो गया है। ये आ गए आलू बनकर यहाँ शंकर जी के मंदिर की भीड़ दिखा था वहाँ आपको। तभी मैंने सुबह दर्शन कर लिए थे जल्दी। वो देखो पूरे बाहर तक भीड़ हो रही है। यहाँ पर प्रसादी वितरण स्टार्ट हो गया है। सो फिलहाल गाइस अभी का सीन ये है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी मैं बैठा हूँ हनुमान जी के साथ मंदिर में, क्योंकि अभी नाना जी गए हैं क्योंकि सुबह से बैठे थे वो भी, तो अभी वो गए तो अभी मैं आके मंदिर में बैठ गया हूँ। आज मंगलवार भी है और अभी का सीन बस इतना ही है। अभी मैं 2-3 जगह और गया था लेकिन वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सब जगह बहुत ज़ोर ज़ोर से डैग बज रहे हैं तो व्लॉग अच्छे से बनी नहीं पा रहा है, आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं पज्जू डॉन। पज्जू इधर आओ। तो यहाँ पर पज्जू डॉन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसा लग रहा है पज्जू डॉन? बढ़िया लग रहा है। तो आगे का सीन देखते हैं, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देंगे। तो गाइस शिव जी का मंदिर देखिए, लाइटिंग जब ऑन हो गई तो कितना प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल। तो आपको आगे दिखाता हूँ ठंडाई। यहाँ पर हो गई है भांग तैयार। ये भांग इसमें मिली हुई है भांग और ये है ठंडाई, इसमें बिल्कुल भांग नहीं है। इसमें भांग नहीं है ना बिल्कुल, उस वाली में चल रही है, इसमें बिल्कुल भांग नहीं है और उसमें भांग जो कि ख़त्म भी हो चुकी है और इसको अंदर रखा जा रहा है। सामने बैठे हैं नाना मंदिर में। क्या हो गया? तूने क्या पिया? सही से बता, भांग है ठंडाई वाली पी है। सही में झूठता नहीं बोल रहा? तेरी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। अरे कुछ नहीं कह रही हूँ, सादा ही पी। सादा ही पी है। अभी जैसा कि आपने देखा भी, मैं मंदिर में गया था, मैंने आपको सब दिखाया कि ठंडाई कैसी होती है। वैसे तो सबको पता ही है ठंडाई से ज़्यादा भांग जल्दी ख़त्म हो गई, अभी 1 घंटे में पूरी ख़त्म हो गई, 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा। और फिलहाल ये रही मेरी ठंडाई, यहाँ पर मैं पीता हूँ ठंडाई अपनी, तो कुछ ऐसी होती है तो ठंडाई पीता हूँ और इसमें भांग नहीं है, नॉर्मल ठंडाई है। और क्योंकि अगर मैंने भांग खा ली तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा अब, क्योंकि अभी 3-4 घंटे मुझे बैठ के एडिटिंग करनी पड़ेगी। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये तो ये है भांग, प्योर भांग जैसे बोलते हैं, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है प्योर भांग जिसे बोलते हैं। ये आप देखो ग्रीन कलर का, मतलब बहुत लोग क्या है इसको डायरेक्ट ले लेते हैं फिर ऊपर से ठंडाई पी लेते हैं और यही मिक्स किया जाता है ठंडाई में तो वो भांग बन जाती है। तो ये मेरे पास था तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ, बहुत लोगों ने शायद ना देखा हो कि भांग किसे कहते हैं। यही शिवजी पर चढ़ाया जाता है, इसे बोलते हैं भांग। ये देखो प्योर भांग। तो अभी फ़िलहाल मैं ठंडाई पीता हूँ और साथ ही इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। और हाँ मुझे पता है व्लॉग में सही ऑडियो नहीं आई है क्योंकि आपको भी पता है कहीं पर भी वीडियो बनाने जाओ तो शिवरात्रि पर कितने ज़ोर ज़ोर से मैं भजन चलते हैं तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ पाती। तो जैसा भी था मैंने आपको दिखाया, अगर अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।